What is the significance of istikhara in dreams in Islam? And also people do istikhara for others. So what is your ruling on that? अब अदर्स का क्या सवाल है? आप तो अब टेलीफोन के ऊपर कहते हैं मेरे लिए इस्तखारा कर दो, दो मिनट यूं करते रह कहते हैं इस्तखारा हो गए। यानी मैं हैरान होता हूं कि ये दुनिया भी आनी थी। तो मैं आपसे अर्ज करूं कि इस्तखारा कुछ नहीं है, कोई चीज नहीं। रसूलुल्लाह सल्लम ने लोगों को दुआएं सिखाई हैं बहुत सी, अल्लाह से कैसे दुआ मांगनी है। इस्तखारा भी एक दुआ है। यानी हुजूर ने यह सिखाया है कि अगर कोई मसला पेश आ जाए तो अल्लाह से दुआ कैसे करते हैं। आप इस्तखारे की वो दुआ कभी पढ़ के देखिए, उसका तर्जुमा पढ़िए, मेरी किताब मीज़ान में मैंने उसको ट्रांसलेट कर दिया है, और देखिए उसमें क्या कहा गया है। उसमें अल्लाह की अजमत का एतराफ़ किया गया है, अपनी आजजी बयान करके अल्लाह ताला से दुआ की गई है कि परवरदिगार ये मामला मुझको दरपेश है, इसमें मेरे लिए खैर पैदा कर दे। तो जैसे आप दूसरी दुआएं करते हैं, इस्तखारा भी एक दुआ है। इससे ख्वाब आ जाएगा, इससे इशारा हो जाएगा। ये बात ना किसी कुरान में बयान हुई है, ना हदीस में बयान हुई है, ना हुजूर ने बयान की है। अब सूरत हाल ये है कि लोग इस बात को जानते नहीं हैं कि ख्वाबों की नफ्सियात क्या है। आप अपने आप को एक ज़ोरदार सजेशन दें, आपका नफ्स उसी को ख्वाब की शक्ल में ड्रामेटाइज करके रात को पेश कर दें। तो मैंने तो अक्सर ये देखा है कि इल्म अकल की रोशनी में एक बिल्कुल मौजू सूरत हाल होती है, लोग कहते हैं जी इस्तखारा किया था ठीक नहीं आया। तो ये कोई हकीकत नहीं इसकी, ये एक दुआ है बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मज़हब आपको इस तरह के शोबदे दिखाने नहीं आया, वो आपको खुदा से मांगना सिखाने के लिए आया है। तो इस्तखारा खुदा से रहनुमाई करना, रहनुमाई मांगने की दुआ है। वो अल्लाह ताला किस तरीके से रहनुमाई करेगा, क्या खैर पैदा करेगा, मुमकिन है कि कोई दोस्त आपको बता दे जिस मामले को आप शुरू कर रहे हैं इसमें ये खराबी है या ये अच्छाई है। तो इल्म और अकल की बुनियाद पर फैसले करें, अल्लाह ताला ने यही तालीम हमको दी है। लेकिन यहाँ सूरत हाल ये है कि सियासतदान इस्तखारा करा रहे हैं शादी ब्याह में, बजाय इसके कि इंसान को इंसान की हैसियत से देखा जाए या उसकी कोई सीरत और किरदार का मुताला कीजिए, इस्तखारा हो रहा है। इसकी कोई हकीकत नहीं है। और ये जो ख्वाब वाब आते हैं, ये अक्सर व बेशतर आपका बातिन होता है जो आपके सामने आ जाता है। तो इस्तखारे में अगर कुछ ऐसी बात नजर आएगी जो नेगेटिव है, और आपको जो एक्चुअल एक्सपीरियंस आपकी अकल कह रही हो कि इससे मुख्तलिफ, बिल्कुल अपने इल्म और अकल के फैसले ही पर अमल करना चाहिए, ये जरूरी है। इसलिए कि इल्म और अकल को मुअत्तल करने के बाद इंसान इंसान नहीं रहता। ये सवाल है कि लेकिन अब तो ये कारोबार बन गया।